कर जोरू विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोई, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई, तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तीन के अर्धन समाऊं, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे, अब गुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का, नक्षक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो समोर। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। बंदे तू कर बंदगी, जै चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार, मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूली, ते बिद न बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। कबीर नौबत आपनी, दस दिन लो बजाए, ये परपटन ये गली, भाई बोर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बार,
एक हरि के नाम बिना गए जन्म सब हार। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। कबीरा थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान, सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार, अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं उनको जगा रहे हैं, उनको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, और राजा राणा राव रंक वही सावधान क्यों ना हो। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जा तू जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं कि तू काल के जाल में फंस के इतना अनजान हो गया कि तेरा जहां जन्म हो जाता है चाहे किसी योनि में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, गधे में, कुत्ते के में, आप उसी में सेट हो जाते हो। वही भाई बहन और रिश्तेदार, माता पिता, वहीं के जो अपने मित्रों में इतने लीन हो जाते हो, आप भूल जाते हो मरने को, आप भूल जाते हो उस दिन को जिस दिन तुमने यहाँ से इनसे बिछुड़ना है। और बिछुड़कर फिर कहाँ जाओगे, क्या होगा, इस अध्याय को आपने कति यो चैप्टर बंद कर रखा है। उस चैप्टर को खोलने के लिए, याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने कोई दास को भेजते हैं ताकि अनजान आत्माएं अपने आप को पहचाने, तुम कौन हो, कहां से आए थे, कहां जाना है और यहां क्या कर रहे हो। जिस उन जरा उनकी तरफ ध्यान दो जिन्होंने अपना सारा जीवन संतान की जो सेवा में, संतान की परवरिश में और महल और कोठी बनाने में समाप्त कर दिया, और एक दिन मृत्यु आई, उठाकर जंगल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिस जिन कोठियों को बनाने में उसने सारा जीवन लगा दिया, जिस बैंक बैलेंस को बनाने के लिए उसने दिन देखा ना रात देखी, उसके साथ कुछ नहीं गया। तो क्या था ये, इसको याद दिलाते परमात्मा कि तुम्हारे को काल ने यहां इतना मूर्ख बना दिया कि आप मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल चुके हो। उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो को दिन का मेला रे, ये कुछ दिन का मेला है और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जाएगा और जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरतान जब तू चल लेगी अकेली। पूरे भरे परिवार ने छोड़ के एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसको फिर ये होता है, कुछ तो जो अनजान होते हैं उनको ये हो जाता है, मेरे बेटियों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, वो कहीं ऐसा ना हो जाए। वो तो फिर यहीं उलझ पुलझ के फिर दोबारा वही जन्म हो जाता है किसी पशु पक्षी के रूप में। यदि मनुष्य का संस्कार शेष है तो वो फिर वहीं क्यों नहीं क्या के जन्म ले लेता पुत्र या पुत्री के रूप में, और यहीं काल के जाल में इस कोल्लू में सजा जुड़ा रहता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तू यहां से जाएगा
कहाँ जाएगा कभी नहीं सोचा। इंसान घर छोड़कर चलता है किसी रिश्तेदारी में या किसी काम बस, तो चलने से पहले उद्देश्य बनाता है, मैं रात को कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का कोई ना कोई योजना बनाकर चलता है, कोई रिश्तेदार या किसी रिश्तेदार की रिश्तेदारी में तो कोई ना कोई स्थान उसका एड्रेस ले लेता है वहाँ रात बिताने के लिए। और जब ये संसार छोड़कर जाता है कभी नहीं सोचता कि तू कहाँ जाएगा, कहाँ तेरा ठिकाना होगा, वहां कहाँ रुकेगा। वो याद अब सत्संग से दिलाई जाती है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो माने सबसे बिछुड़ जाएगा। राजा राणा राव सब भाई सावधान क्यों ना हो, उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। लंका रावण कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। हमारे पास तो किलो तो बहुत घना हो जाता है, 20-30, 100-200 ग्राम सोना हो गया तो काक पीटते फिरते हैं, अब बहुत घना धन हो गया हमारे पास इतना सोना है, और किलो हो जाता कहना है कि रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने के महल बना रखे थे। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, जब संसार छोड़ के चला एक ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, वहीं छोड़ गया, दुनिया ने लूट लिया। फिर तो परमात्मा हम याद दिलाते हैं ये बड़े बड़े महल बना रखे हैं, और फिर ये उजड़ हुए पड़े वह खेड़े बोल रहे हैं जिनको खेड़े कहते हैं, तो वहां देखो कितने सामान पड़ा होता है, किसी के मटके फूटे पड़े हैं, कोई छोटी छोटी ईंट निकलती हैं, जैसी भी जिस समय की सभ्यता है उस प्रकार के वहां सारे बर्तन मिल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उजड़ खेड़े ठीकरी ये ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। अब यहाँ एक बात समस्या आती है कि मन में यह आता है जाना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें मरना तो है ही, लेकिन मरने में जाने में बहुत अंतर है। एक तो भक्ति इन प्राणी भुगत का मरे और बुरा हाल हो जाए उसका, कि तो बिरान में टीवर ही है, और फिर यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाएंगे, यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और एक भक्ति युक्त प्राणी भाई इज्जत ले जाया जाएगा, आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंक फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया, एक तो इज्जत के साथ ले जाए जाएंगे विमान में बैठा कर, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जिसने कभी परमात्मा को याद ना किया हो उस प्राणी की मृत्यु देखना, कभी वो मरता हो जब भुगत का मरिया करे ना उसका जी निकला, घरवाड़े भी दुआ करें भगवान ठाए दे इसने, और मरते समय टट्टी और पेशाब अंदर ही निकल जाते हैं भयभीत होकर के, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना, और उसको भी मकान मालिक कहे भी खाली कर दे, हम उसको भी खाली करना नहीं चाहते, उसको भी खाली करने में हम बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। और अपने मकान से कोई कहे खाली कर दे तो मतलब है कौन ही, लेकिन अपना मकान है ही नहीं, मकान फिर खाली करना होगा क्योंकि मृत्यु होगी,
इसी प्रकार इस शरीर में हम रह रहे हैं, ये एक सराय है, चलती फिरती एक कोठड़ी है। परमात्मा ने सूझबूझ से हम इस जीव को इसमें फिट कर रखा है, इस काल इस पांच तत्व के महल में। अब इसका समय पूरा हो जाता है, जितने समय का इसने किराया दे रखा है इस शरीर का, तब तक परमात्मा ने ये महल इसको दे रखा है जीव को। और जब इसका समय आ जाएगा तो इसको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं, जो स्वार्थी और लोभी रहा सारी उम्र, तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, मेरा शरीर है मेरा शरीर है। तो यम के दूत फिर अंदर से उसको बुरी तरह पीट के और उसको भयभीत करके, बुरी बुरी आकृतियां दिखाकर, भाले दिखाकर उसको भयभीत करते हैं। फिर वो डरता, टट्टी पेशाब निकल जाता भयभीत होकर के, और वो फिर भागने की चेष्टा करता इस शरीर छोड़कर। वैसे राजी खुशी नहीं छोड़ता। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो प्रभु की भक्ति के कारण इस शरीर को आसानी से त्याग देते हैं, और जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी वो शरीर से निकल भी नहीं सकते, उनको मार पीट के निकाला जाता है। दोनों ही बातें हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाहता और उससे निकला भी नहीं जाता, तो यम के दूत उसको मार कूट के बाहर खींच कर निकालते हैं, उसका गर्दन बंद कर देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप, परमात्मा का आदेश होगा, अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो, मृत्यु नहीं लगती उसको, उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा, क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा। कबीरा कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूमि लेटना तेरे ऊपर जम घास। परमात्मा कहते हैं कि हे प्राणी, तू इस ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कोठियों को देखकर कहाँ फूला फिरता है। तेरी मृत्यु के उपरांत तुझे जंगल में ले जाकर के सवा कर दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा, और तेरी उस राख के ऊपर, तेरे शरीर की राख के ऊपर घास जमेगा, और फिर उसके ऊपर के डांगर अंडा करेंगे, पशु फिरा करेंगे तेरे शरीर के ऊपर के। कबीरा कहाँ गर्बियो इस जोबन की आसे, टेसु फूले दिस दस खंबर खरब खंगर भय पलास। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ वो मिलसी नहीं जो कैतुली भोजंग। कहती सुंदर शरीर ने देखकर कहाँ फूला फिर रहा है, एक बार ये छूट गया मृत्यु होगी तो दोबारा नहीं इसमें प्रवेश हो पाएगा। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ऐसे तो शरीर को त्याग कर चले जाएगा, इसमें पुनः प्रवेश नहीं कर पाएगा। कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, ना जाने का मारेगा के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं या तो भक्ति कर ले परमात्मा, मेरी शरण में आ जा, नहीं तो यू काल तेरी ब्रेन में टिक करके मारेगा, ना मेरा कितना एक्सीडेंट में दूसरे देश में यानी अपने घर से बाहर, और ना मेरा कितना घर में हार्ट अटैक हो जाएगा और बीमारी हो जाए। ये तेरी दुर्गति रखता है, इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी शरण में आ जा।
और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatguru-rampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।